हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। आज बच्चों के लिए हम बनाएंगे बिस्किट से एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। एक तरह की बिस्किट खाते खाते बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो चलिए आज उनके लिए हम बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से एक बहुत ही बढ़िया सा केक। पार्ले जी बिस्किट की जगह पर आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, बस क्रीम वाली बिस्किट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ बिस्किट का इस्तेमाल करना है। तो ये 10 रुपये वाली पार्ले जी बिस्किट है, इसको पहले हम निकाल लेते हैं और इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। पहले तो हमें इन्हें पीसना है, तो खड़ा खड़ा नहीं पीस जाएगा, इसलिए अभी हम इन्हें छोटे टुकड़ों में करके पीस लेते हैं। तो देखिए, सारे बिस्किट को हमने तोड़ लिया है, चल के हम इसको पीस देंगे। ये रेसिपी बच्चों के लिए है, तो लाइक तो बनता है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार आए हैं, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलता रहेगा। और हमारा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो आप बिना एक भी रुपया खर्च किए मेरी ढेर सारी रेसिपीज़ का मज़ा ले सकते हैं। पहले से 200+ रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे, आप जा करके उसको चेकआउट करिए और डेली नई वीडियो आती है उन्हें भी देखा करिए फुल वॉच के साथ। तो चलिए, हमारे बिस्किट पिस चुके हैं, अब इनको हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब देखते जाइए इसमें हम क्या क्या मिलाने वाले हैं और कितनी इंटरेस्टिंग है ये रेसिपी। बच्चों को दिखा के बनाइएगा कि आप उनके लिए बिस्किट की रेसिपी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो वो बहुत मज़े लेके देखेंगे भी और बहुत ही ज़्यादा मज़े लेके इसको खाएंगे भी। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको महीन नहीं किया है, बस कोर्सली हमने इसको क्रश कर लिया है। और इसमें ऐड करेंगे ये हम एक पैकेट मिल्क पाउडर, जिससे थोड़ा इसमें क्रीमी टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें कोई अलग से कुछ ऐसा मिल्क मेड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। और चलिए, डाल देते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध और इसका एक बहुत ही स्मूथ सा रिबन कंसिस्टेंसी का घोल हमें तैयार कर लेना है, जैसा कि केक का बैटर होता है। बिस्किट पहले से बेक्ड है, तो हमें उन्हें भूनने की या फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उनसे बहुत बढ़िया सोना सा टेस्ट आता है। और जब तक हम इसको मिक्स करते रहते हैं तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है, क्योंकि ये मैदे से बना हुआ है बिस्किट, तो पहले से इसमें मैदा है ही। अब इसमें हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ी सी टूटी फूटी मिक्सचर, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा। मैदा डालने का रीज़न ये है कि जब भी हम इसको बिस्किट में डालेंगे तो ये बिल्कुल नीचे बैठेगी नहीं। अगर आप मैदा नहीं डालते हैं तो टूटी फूटी जो है वो बेक करते टाइम बिल्कुल बेस में चली जाती है। उससे पहले इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस, जो कि हमारे केक में एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं ऐड करें, और अगर आप चाहें तो छोटी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन वनीला एसेंस डालेंगे ना तो पूरा केक का फ्लेवर आएगा और बच्चों को लगेगा कि वाकई वो केक खा रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं बेकिंग सोडा, इसको बढ़िया से उठ के आने के लिए, ताकि हमारा केक बहुत ही बढ़िया सा स्पॉन्जी बन करके तैयार हो। तो देखिए कितना बढ़िया रिबन कंसिस्टेंसी आ गई है, बस ऐसी ही हमें चाहिए। थोड़ा इसको बढ़िया से हमें फेंट लेना है, ताकि इसमें ढेर सारे एयर्स भर जाए, और उसके बाद इसको हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बस हो चुके हैं लगभग 10 मिनट हमें इसको फेंटते हुए, और देख सकते हैं कितना बढ़िया रिबन वाला कंसिस्टेंसी आ गया है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें अपने सारे टूटी फूटी को मिक्सचर को डाल देते हैं। मैदा नहीं डालना है, मैदे को अलग कर लेंगे और बस टूटी फूटी डाल के मिक्स कर लेते हैं। और एक हमने एलुमिनियम का ले लिया है, गोल सा बर्तन है हमारे पास, मैं इसी में केक वगैरह बनाती हूँ। इसमें मैंने नीचे लगा दिया है बटर पेपर, जिसकी वजह से ये आसानी से बाहर आ जाएगा। तो सारे मिक्सचर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल केक का जैसा बैटर होता है वैसा ही बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो बिस्किट की ये नई रेसिपी आप एक बार बच्चों को बना के ज़रूर खिलाइएगा। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा टूटी फूटी, इसको थोड़ा हमने टैप टैप कर दिया है, और चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो हमने एक तवा रख दिया है गैस पे, उस पर स्टैंड रख दिया है, उस पर अपने इस बर्तन को हम रख देंगे और ऊपर से इसको हम ढक देंगे स्टील के एक थोड़े बड़े बर्तन से, और फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल स्लो 25 से 30 मिनट के लिए। और 25 से 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा केक बनकर रेडी है, काफ़ी गर्म है,
तो हम इसको ठंडा करके बच्चों को सर्व करेंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये बिस्किट से केक बनाने की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक डन कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी यूनिक, इंटरेस्टिंग और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।